किचन। जैसा कि आप जान रहे हैं, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। आज हम लोग जूस बनाएंगे जो कि तरबूज और खीरे से बनेगा। ये जूस बहुत हेल्दी और ठंडक भरा होता है। ये बच्चे को आप पिलाइएगा तो बहुत ही फायदा करेगा। बड़े भी इससे पियेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आइए अब हम लोग जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले खीरा को छील लेते हैं। आइए अब हम लोग तरबूज को भी कट कर लेते हैं। ये ऐसे हम लोग पीस निकाल लेंगे, छिलके को अलग कर देंगे। खीरे को हम लोग गोल गोल कट कर लेंगे। तरबूज को भी पीस पीस कट कर लेंगे। आइए अब हम लोग ग्राइंडर ले लेते हैं और इसमें तरबूज के पीसेस को डालते हैं। इसमें से जो भी बीज निकल जाएगा वो ठीक है, नहीं निकलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी को ऐड कर रहे हैं। अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो आप इसमें चीनी का यूज ना करें। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डाल रहे हैं, एकदम थोड़ा सा। और इसमें हम लोग ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं। आपको जितना जूस बनाना होगा उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा। आइए इसे अब हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। आइए इसे हम लोग छन्नी में छान लेते हैं। ये हमारा जूस निकल चुका है। जब तक हम लोग खीरे का जूस बनाते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। खीरे कटे हुए खीरे को भी हम लोग जार में ले लेते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट के अनुसार काला नमक ले लेते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च, कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ती और इसमें थोड़ा सा हम लोग चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। और इसमें भी हम लोग पानी को ऐड कर रहे हैं। आइए इसे भी हम लोग छान लेते हैं। आइए अब हम लोग इसे ग्लास में सर्व करते हैं। आइए अब हम लोग खीरे के जूस को ग्लास में निकालते हैं। एक खीरा में करीब 2 छोटे ग्लास हमारा जूस आराम से निकल जाएगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा आइस यूज कर रहे हैं, इससे ये और ठंडा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, इसे हम लोग खीरे के स्लाइस से सजा देते हैं। ये हमारा खीरे का जूस बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप भी एक बार जरूर ऐसे बनाएं।
ये तरबूज का भी जूस हमारा ठंडा हो गया है। आइए अब हम इसे भी ग्लास में सर्व करते हैं। आइए अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा बर्फ डालते हैं। ऐसे तो ये ठंडा है इसलिए हम ज़्यादा बर्फ नहीं यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा ही थोड़ा यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी थोड़ी काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो काली मिर्च ना भी डालें। थोड़ा सा हम लोग इसमें भी पुदीने के पत्ते से इसे सजा देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में हम इसमें तरबूज को भी ऐड कर रहे हैं पीसेस में। आइए इसे हम लोग तरबूज के पीसेस से सजा देते हैं। ये देखने में और अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए हमारा सारा ड्रिंक बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। आप भी एक बार अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लगता है और गर्मियों के दिनों में के लिए ये बहुत ही अच्छा जूस है। आप भी इसे एक बार जरूर घर में ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ये कैसा बना है। हमारे वीडियो को अंत तक देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।